नमस्कार साथियों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुने गए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल को आजमगढ़ और लालगंज से सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव के लखनऊ से आजमगढ़ आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा व माल्यार्पण कर उनका जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात उन्हें अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान बढ़ाया गया। सैकड़ों वाहनों का लंबा काफिला जैसे ही पार्टी कार्यालय पर पहुंचा, उपस्थित कार्यकर्ताओं ने दोनों जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। अपने स्वागत से अभिभूत नवनियुक्त जिला अध्यक्ष लालगंज सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शीर्ष नेतृत्व ने जो भी हमें जिम्मेदारी दी है और भरोसा जताया है, उसका हम पूरी तरह से ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ लालगंज लोकसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान किया जाएगा तथा कार्यकर्ताओं के बल पर ही लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी, जिसमें युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि उम्र भले ही कम है, लेकिन 15 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। वहीं निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्रीकांत राय ने कहा कि सूरज को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो भाजपा ने कार्यकर्ता को लालगंज की जिम्मेदारी दी है, वही आजमगढ़ की जिम्मेदारी एक ऐसे कार्यकर्ता को दी है जो हम लोग हम जैसे लोगों और संगठन को खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर दायित्व मिलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को साथ में लेकर के चलना है, वरिष्ठ जनों के साथ उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनका जितना भी अनुभव है उसका पूरा लाभ उठाते हुए हमें युवा जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को लालगंज में मजबूत करना, एक एक कार्यकर्ता से अपना जुड़ाव हो। हमारा मंडल का पदाधिकारी, मंडल का अध्यक्ष, शक्ति केंद्र का संयोजक, हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक की जो इकाई है उससे 1-to-1 संवाद करके हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं अभी लगातार एक अभी घोषणा हुई है, उसके बाद मैं लखनऊ चला गया माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री जी का आशीर्वाद लेने, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही उस विषय पर आपको बता पाऊंगा। आज आपने एक नई पार्टी शुरू की है, ज्यादातर देखा गया है कि कोई नया पदाधिकारी आता है पद ग्रहण करके तो लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आज आपने अपने वरिष्ठ जनता कार्यकर्ताओं का आपने सम्मान किया। ये इसलिए कि मैं आप सभी जो लोग बैठे हुए हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं ये ना समझे कि उन्होंने छोटे को विरासत दे दी है तो वो कार्य मुक्त हो गए हैं। मैंने माला पहनाकर उन्हें कार्य का बोध कराया, कभी आपको लगातार कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहनी है। पार्टी में लगातार जो गुटबाजी चलती है, कभी कभी खुलकर सामने आती है, उसको आप कैसे मेंटेन? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, परिवार में भी बर्तन खटकता है, लेकिन गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में कहीं देखने को मुझे नहीं मिलती है। एक एक कार्यकर्ता को हम जोड़ कर चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो बैठकर सामंजस्य बनाएंगे। एक परिवार है, परिवार को साथ में लेकर के चला जाएगा। हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री कृष्णपाल जी सदर के जिलाध्यक्ष बने हैं, उनका सहयोग लेकर के और जितने भी लोग हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं सबके साथ बैठकर सामंजस्य बना करके हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे पार्टी को। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके सामने जितने भी अन्य नेता हैं वो बौने साबित होते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी उनकी जितनी भी नीतियां उनको लेकर के जनता के बीच में जाएगी। हम एक एक कार्यकर्ता को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे। 2024 में दोनों की दोनों लोकसभा सीटें जिता करके हमें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाना है। उत्तराधिकारी के बारे में कुछ हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं इस निर्णय पर अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि जो एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी लालगंज की जिम्मेदारी दी और वहीं आजमगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी मिली है जो संगठन को बहुत नजदीक से हम जैसे कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किए,
आदरणीय केजरीवाल जी। और जहां तक सूरज श्रीवास्तव का सवाल है, ये मेरा छोटा भाई है, कदम कदम पर इसको हम सब संगठन को